हाँ सर, हो आ गया। गया। ओ भाई, ये ये देखो, सब अकाउंट ओनर एंड होस्ट कैन वॉच जूम फ्लोर रिकॉर्डिंग एंड एनी पार्टिसिपेंट विथ परमिशन दिस दैट फलाना। इधर देखो, व्हाट एक्सेप्शन ऑफ इफ ये रिकॉर्डिंग किस में चल रहा है, चिंटू में या फिर जुगल में? जुगल 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 चिंटू तुम ना यार, तुम्हारा लैपटॉप खराब हो गया है। कर दिया तुमने। अरे सर, हम लोग यार उधर फालतू इधर उधर देख के आते हो, फिर इधर आते तो वायरस इधर आ जाते हैं। देखो सर फिर से ट्राई करो ना बस यार। इधर इसके और जो होंगे FDS2, इससे अपन काम चलाने वाले हैं। कॉपर पाइराइट है, क्या सर पर FES2 में कॉपर ही नहीं है। बोल रहे हो? CuFES2 CU लिखना भूल गए सर। अरे CU आ जाएगा, नहीं है तो सबसे पहला बताओ कंसंट्रेशन ऑफ ओर में कौन सा मंत्र लगाएंगे? चिन में बताएगा, तुम लोग शांत रहो। चलो बताओ रे, चिन में कंसंट्रेशन ऑफ ओर में कौन सा मेथड लगाएंगे? लीचिंग लीचिंग। या शिवरात्रि खत्म हो गया है, भांग नहीं दारू पियो अब तो। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर के लिए क्या लगाते हैं अपन? रोटेशन। तो फ्लोट फ्लोटेशन क्या हाँ क्या उसमें? हाँ बेटा, फ्लोट फ्लोटेशन झाग बनता है उससे, झाग। रोटेशन झाग को ठीक स्टेबलाइज भी कर सकते। है, झाग को तो तुम ही लोग स्टेबलाइज कर सकते हो, फ्लोट फ्लोटेशन मेथड। अब इसमें क्या होता नहीं होता वो आपको पहले मैंने बता रखा, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। फ्लोट फ्लोटेशन मेथड में फ्लोथर्स के लिए यूज करते हैं अपन पाइन ऑयल, और फ्रॉथ स्टेबलाइजर में क्रिशोल या एनिलोन एनिलीन यूज इलियन करते हैं। दूसरा कलेक्टर में यूज करता है जो वेटिंग क्वालिटी को पोटेशियम इंप्रूव करता है, मिथाइल दूसरा सेंटेट। पोटेशियम मिथाइल जेनथेट। एक लास्ट में डिप्रेसेंट यूज करते हैं, दो सल्फाइड में से एक को ड्रॉप करने के लिए, फिर एनएक्सीएल उसको लाने के लिए एक्टिवेटर CuSO4। सेकेंड ऑप्शन है रोस्टिंग, रोस्टेड है चिकन। देखना इधर, रोस्टिंग जो सर होगा। हाँ मैंने एक्टिवेटर में CuSO4 ना। हाँ रोस्टिंग S+O2, ये क्या होता है? इसमें हीट किया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। आर्सेनिक के इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होते हैं, तो जिसके इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगे ना वो कहाँ पे निकल जाएगा? S2O3, हाँ आर्सेनिक ऑक्साइड। हाँ अरे किंसुक आया क्या? किंसुक अरे उसको उसने मैसेज नहीं देखा होगा। हाँ सर आया हूँ। तो ये ओ जूम आ गया। ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही थी क्या तेरे को, जूम कनेक्ट नहीं करने में? सर अच्छा अच्छा नहीं अभी अभी डेट नहीं क्या हुआ। है उनसे? 11th में दो ये बच्चे का दिक्कत ज्वाइन तो नहीं सर हो पाया, इसीलिए मैंने पूछा, नोट कर लो। सर आपने पासवर्ड बदल दिया ना इसलिए हो गया। जो पासवर्ड केमिस्ट्री, लेकिन अभी बदला है मैंने पासवर्ड। अब अरे सर लोग कहते एक्चुअली क्या मैंने ट्राई किया दोनों पासवर्ड आपने जो दोपहर को दिया था वो भी और पुराना वाला केमिस्ट्री 2020 लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं चला। फिर मैं फोन में से आया उसमें से पासवर्ड देख के इसमें से आया। अच्छा, और नोटबुक कंप्लीट कर लिए तुम? नहीं सर अभी तक तो नहीं क्योंकि मतलब संडे तक हो नॉर्मल जाएगी। करना होता है ना। अभी ऐसा लग रहा है कि संडे तक हो जाएगी कुछ है ना कि नहीं अभी तो टेस्ट किया ना इसलिए उसकी भी प्रिपरेशन करनी है। ऐसा नहीं देखना कि एग्जाम निकल जाए नोटबुक ही ना कंप्लीट हो, किंसुक हाँ हाँ थोड़ा सर स्पीड में। हाँ नहीं होता सर। बाकी रिकॉर्डिंग लेना है तो चिंटू से ले सकते हो रिकॉर्डिंग। हाँ पढ़ाई की सिर्फ ठीक है सर अब पढ़ाई पढ़ाई की की, वही बाकी उसके पास तो कंटेंट की कमी नहीं है, तू पढ़ाएगा कंटेंट स्टडी मार्क्स मटेरियल भी होगा तो सर उसके पास तो। सारे कुछ है। कल जा रहे थे तो उधर चिंटू तुम झाड़े में क्या कर रहे थे बड़े अरे के? पर चिन्मय के पास बोर्ड की रिकॉर्डिंग थोड़ी ना होगी। अच्छा बोर्ड बोला प्रथम, प्रथम के ठीक चैनल सब कुछ है देख लेना। ठीक है थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो नेक्स्ट है स्मेल्टिंग इन ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट सर बड़ा सर स्टेप। हाँ बोलो बोलो।
अरे स्टार्टिंग का समझ नहीं आया सर, स्टार्टिंग में लिखा गया जो नहीं समझ में आया ये बताओ। ये प्रोसेस कंसेंट्रेशन सल्फाइड हो रहे तो फ्रॉथ फ्लोटेशन लगाते ना अपन, हाँ आया समझ में? हाँ उसके बाद ऑक्सीजन में क्या करते हैं अपन, जलाते हैं, जिसकी जल गई वो बाहर निकल जाएगा, जो नहीं जला वो रह गया। सल्फर जल गया तो SO2 बाहर निकल गया, ये आर्सेनिक ऑक्साइड, ये इम्प्योरिटीज होती है। ठीक है, ओके आ गया थोड़ा समझ में? चलो हाँ सर देखना, इसमें सबसे पहला पॉइंट है ये स्मेल्टिंग में लिखा है रोस्टेड और रोस्टेड ओर इज मिक्स विथ ओक एंड सैंड। सैंड का मतलब बालू, नहीं 4-5 KG मिला दो गया, मिट्टी हुआ कहने का मतलब। सेकंड पॉइंट दिस सर, मतलब क्या नहीं मिला? अच्छा सैंड, अच्छा सैंड, सैंड का मतलब मुझे लगा भैया रे सर। मिट्टी मिट्टी। हाँ मतलब 5 किलो नहीं डालनी है ना? 5 किलो नहीं, थोड़ा बहुत मिलाना है। सैंड लिखा हुआ है SAND। सेकंड पॉइंट दिस मिक्सचर इज, उसके बाद इसको अपन ब्लास्ट फर्नेस में झोंकते हैं, इनटू द ब्लास्ट फर्नेस। आज होमवर्क करके कौन कौन नहीं लाए हो, ईजान को छोड़ करके, हॉट एयर कन्वर्ट FeO। सर हाँ आपने होमवर्क दिया था, उसमें एक कॉपर का जिंक का क्वेश्चन था, वो तो अभी आप पढ़ाओगे फिर हो जाएगा पहले पढ़ा रखा है तेरे को बोर्ड में। एक्सट्रैक्शन का? हाँ मेरे को पढ़ा रखा है इसलिए मेरे जैसे हो गया, लेकिन ऐसे जनरल। नेक्स्ट मेंटी पॉइंट स्लैग फ्लोट्स ओवर मोल्टन मेट ऑफ कॉपर। यस मेल्टिंग में इतने सारे प्रोसेस होते हैं, अभी आप नोट करो, मैं नीचे रिएक्शन लिखता हूँ। अरे ये मैट क्या होता है? और कॉपर मेल्ट होता है Fe+Cu2S। मोल्टन कॉपर मिक्सचर मेल्ट होता है फेरस सल्फाइड और कॉपर सल्फाइड का। ओके सर। हो गया डन? यार यस एक मिनट सर। एडिट बाकी है हाँ तो। हाँ सर हो गया। एक मिनट सर। हाँ सर हो गया। चलो इसको हटाता हूँ, देखना रिएक्शन लिखता हूँ। उसमें ये लिखा गया था क्या कि सबसे पहले रोस्टेड और जो होगा उसको मिक्स करते कोक एंड सैंड के साथ, फिर उसको किस में डालते अपन ग्लास फर्नेस में, वहां से फिर हॉट लास्ट एयर पास करवाते हैं। तो हॉट एयर पास करवाओगे ना तो FeO जो होगा SiO के साथ मिलकर के स्लैग का फॉर्मेशन करेगा, और वही स्लैग जो होगा जैसे ग्लास फर्नेस में फ्लोट करता था ना, वैसे ही यहाँ पर भी फ्लोट करता है, फिर वहां से निकाल दिया जाता है। आयरन Cu2O+ में FeS, ये आपस में मिल करके कॉपर Cu2S+ FeS बना लेता है। यही क्या होता है अपना कॉपर मेंट के नाम से जानते हैं। अब इसके अंदर जो FeO+ SiO2, ये FeSiO3, ये क्या हो गया, फ्लक्स की तरह काम करता है, तो ये इम्प्योरिटीज हो गए। बताओ ये क्या बन जाएगा, स्लैग हो गया। फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ स्टेप है, पहला था कंसंट्रेशन ऑफ और, दूसरा रोस्टिंग, तीसरा स्मेल्टिंग, चौथा है
बेसिमराइजेशन ये बिल्कुल ब्लास्ट फर्नेस की तरह ही होता, बस गैस निकलने के लिए यहाँ पे ऊपर में छोटे छोटे होल किए जाते हैं, ठीक है। ये तो गैस नहीं निकलेगा बेटा, तो समझ में आ रहा है ना क्या होगा, पानी खत्म गड़बड़, इसलिए गैस बन रहा है तो गैस निकलना बहुत जरूरी है। ऑल्टरनेट इज हीटेड इन कन्वर्टर, और नोटबुक बनाए हो ना तुम लोग या फिर छापा छापा पेटीएम में भंडारी सरफेस केमिस्ट्री तेरे को 3 बार पढ़ाया, पूरा नहीं था तेरा सरफेस केमिस्ट्री लास्ट वाले बाकी था बोल दे। मैंने तो लास्ट का भी पढ़ाया शुरू का भी पढ़ाया ना रे, शुरू का लिखा है, अब बोलेगा बीच वाला बाकी था। कर सच्चा दोस्त है हर्ष। रिएक्शन लिख रहा हूँ, और जो सल्फाइड ओर होता है उसको अगर आपने हीट किया ना तो ये FeO प्लस में क्या बन जाता है, SO2 बन जाता है, फिर यही FeO ऊपर वाला रिएक्शन एक बार रिपीट हो गया है SiO2 के साथ मिलकर के FeSiO3, ये स्लैग बन गया। आपके पास जो Cu2S बचा हुआ है ना, ये जो ऊपर लिखा है उसको हटा सकते क्या आप? ये ऐसा Cu2S प्लस में O2 सल्फाइड हो रहा है, इसके हीटिंग करोगे तो ऑक्साइड बनेगा प्लस सल्फर डाई ऑक्साइड बन जाएगा। रिएक्शन बैलेंस करना चाहो तो 2 हो गया 3 हो गया, यहाँ पे 2 2 22, इसके बाद फिर से Cu2O जो होगा Cu2S के साथ मिलकर के Cu प्लस SO2। बताओ रे चिंटू ये कौन सा रिएक्शन है, ये पूरा कौन सा रिएक्शन है? अरे वो कॉपर ग्लांस वाला नाम याद नहीं आ रहा, सेल्फ रिडक्शन वाला। सेल्फ रिडक्शन सही है, अरे नाम याद नहीं आ रहा, यही है, यही है अब नाम से क्या नाम है निकालोगे क्या इसका, भाई नाम यही लिखा है सेल्फ रिडक्शन कॉपर ग्लांस के साथ और किसके साथ HCS के प्रोसेस जैसा नाम होगा, ये सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस नहीं है। और ये जो कॉपर होता है ये ब्लिस्टर कॉपर होता है, ब्लिस्टर कॉपर, हाँ ये भी पढ़ा है ब्लिस्टर, ब्लिस्टर भंडारी ब्लिस्टर का मतलब समझते हो तुम? ताले हैं पूछा तो समझते है भंडारी सर, बोले ब्लिस्टर का मतलब समझते हो क्या आप? हाँ हाँ तो इंटरवल लेके क्यों बोलते हो रे, सोच रहा था खाने खाने क्या? सोच रहा था हाँ बोलूं या ना बोलूं, फिर तूने हाँ बोला है तो समझा मेरे को क्या होता है, अब ना मत बोलना मैं से समझाओ कि समझा नहीं पाऊंगा आपको, जो तेरे को समझ में आ रहा है मेरे को बोल दे मैं समझ जाऊंगा। मतलब कोई जगह पे ऐसे जलती है ना, मतलब ऐसा ही कुछ होता है ना, जलती है मान, अच्छा कोई जगह पे जलती है वहां पे क्या हो जाता है मतलब ऐसा ही कुछ होता है जहाँ पे जल्दी वहां ब्लिस्टर कॉपर की तरह मतलब हो जाता है क्या, फिर वहां पर आइस डालते हैं भंडारी की लैंग्वेज में ब्लिस्टर कॉपर समझ, जहाँ पे जलेगी वहां का सीन कैसा हो जाएगा, ब्लिस्टर ब्लिस्टर हो जाएगा तूने देखा है ब्लिस्टर कॉपर ब्लिस्टर कॉपर वो यार पपोलेदार बोलते हैं हिंदी में ना उसको जैसे बोले थे ना बेसन अगर आप पानी में डालते हो तो कितना भी मिक्स कर लो
लेकिन ऊपर छोटा छोटा ना वो सर्कल टाइप पे थोड़ा थोड़ा सा बना रह जाता, बबल्स टाइप पे। हाँ तो ब्लिस्टर वैसे ही होता है। ये आपने पहले बताया था कहीं? हाँ जैसे बहुत समझते हो ना, मान लो तेरे पास ना ये, हाँ याद आ गया मैंने, अरे चिन्मय क्यों गंद फैला रहे हो? यहाँ से उड़ते हुए कहाँ जा रहे थे? नीचे तुम्हारी जल रही थी क्या? बेटा ब्लिस्टर इधर बना, तेरे को क्यों दिक्कत हुई? भंडारे जहाँ जली वहां ब्लिस्टर बनेगी। देखो जैसे जो मिल्क होते ना, मिल्क मिल्क इसको बड़ा सा कंटेनर में रखो, हीट देते रहो देते रहो देते रहो, एक टाइम ऐसा आएगा कि बिल्कुल ये क्या हो जाता है, कंसंट्रेट हो जाता है ना, मतलब जो भी पानी था वो पानी खत्म हो जाती है इसके अंदर। अब पूरा ये कंसंट्रेट हो गया, अब जो यार जैसे ही हीट करोगे तो ये जो थोड़ा थोड़ा सा ऐसे बबल्स बन के फटता है ना, वही ब्लिस्टर हुआ। दूध फट जाता तो बोलते है। अरे दूध फट जाता वो ब्लिस्टर नहीं हुआ। बुलबुले हो जाते ना उसको। हाँ हाँ ये हमारे सही बोल रहे हैं, वो जो बुलबुले टाइप के हो जाते है ना वो। और मावा समझते हो ना, मावा वो मावा नहीं, खाने वाला नहीं वो, बोला मतलब मार में ये मार में मावा ये तो बेटा एक दूध वाला मावा होता है ना, एक तो वो होता है जो खाते रहते हैं सब चलते फिरते मिला मिला के यहाँ पे टेपते रहते हैं, पीने वाला मावा ना, ये दूध वाला मावे की बात कर रहा हूँ मैं। तो मावा बनने के बीच में जो प्रोसेस होता है उसमें ये से थोड़े थोड़े ये से बबल्स जो बनने लगते हैं वही ब्लिस्टर होता है, वो ब्लिस्टर मिल्क हो गया, कॉपर के टाइप में ब्लिस्टर। चलो सर मावा मतलब वही ना, गोले के ऊपर डाल के खाते है वो। हाँ गोले के ऊपर गोले, मैं भी तो यही बोल रहा था वो मावा अलग होता है। अरे एक तो वो जो पान शिखर गुटका मसाला पान पराग रजनीगंधा खाते वो मावा नहीं, नहीं वो नहीं पान बोले मावा पने डालते वो वाला। अरे देख उदय उदय देख, वो गोले के ऊपर होता है ना वो ड्राई फ्रूट्स को मावा कहते हैं, और वो पेड़े में जो आता है वो वाला मावा है, वो मलाई समझ रहा है, मलाई पानी पूरी के मसाले से मावा कहते हैं, मलाई तो साथ एक पाउडर। हां वही वो पेड़े पेड़े और स्वीट्स में आता है वो वाला मावा, वो वाला। हां स्वीट्स में जो मावा आता है ना वो वाला। तो जग्गा एक बड़ा सा रखता है, इतना बड़ा एकदम थैली, इसके अंदर छोटे छोटे इसके अंदर चूने होते हैं और मावा होते हैं, थोड़े थोड़े कसेली होता है, इसको ऐसे मिला के सीधे मुंह के अंदर जाता है बेटा। सर आपने ब्लिस्टर के ऊपर इतना लंबा डिस्कशन क्यों किया? क्यों समझाना मेरा काम है ना, तुम्हारी क्यों जल रही है? सर मैं भी तो यही बोला था ब्लिस्टर का मीनिंग। तुमने भी यही बोला था? जहाँ पे जलेगी वहाँ पे ब्लिस्टर बनेगा। अरे मतलब मेरा कहने का मतलब यही था बस, ऐसे मुंह पे आने जहाँ पे जलेगी वहाँ पर बुलबुले होंगे, जहाँ पे जलेगी वहाँ पे बुलबुले आएंगे, जिसकी जली है उससे पूछो बुलबुले बने तो उसने ब्लिस्टर देखा है। आपने भी देखा होगा में रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में देखो क्या होता है, इसमें ना वो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में पोलिंग यूज करते हैं अपन। पोलिंग आपको याद आ रहा है क्या होता है? पोलिंग जो होता है उसमें मेटैलिक ऑक्साइड जो होता है खुद क्या होता है, इंप्योरिटीज के टाइम में होता है, तो यहाँ से पोलिंग किया जाता है तो थोड़ा बहुत कॉपर और क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है, और बिल्कुल लास्ट स्टेप में आके फिर उसको क्या करते हैं अपन, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हैं, मतलब एनोड कैथोड वाला टर्म आता है। तो उसमें क्या होगा, ये एक कंटेनर होगा, एक कॉपर का ही क्या लिया जाता है यहाँ पे, एनोड लिया जाता है, एनोड कॉपर रॉड, कॉपर रॉड, लेकिन ये इम्प्योर होगा। और प्योर वाला कैथोड, ये तो एनोड तो कुछ भी नहीं रख सकते, उस पर रखोगे तो रिएक्शन उल्टे पुल्टे हो जाएंगे ना, प्योर वाला इम्प्योर पे चला जाएगा। नहीं कैथोड तो सही है पर ये क्योंकि वो CO2 है, एनोड को कॉपर के अलावा कुछ भी रख सकते हैं ना ऐसा। हाँ
अरे ऊपर जो बना ना आपके पास कॉपर, उसी का फिर इलेक्ट्रोड वो बना लिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट है। अभी तक आपने कॉपर बनाया, फोलिंग बनाया, उससे क्या बना लोगे आप, एनोड। और एक प्योर रॉड कॉपर लिया जाता है, ठीक है, जहां पे अब मान लो ये एनोड वाला है, तो एनोड क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है ना, एट एनोड क्या होता है, ऑक्सीडाइज। इसके अंदर भी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया जाता है। तो कॉपर क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन रॉड के ऊपर छोड़ेगा, और ये कहां पे आ जाता है, कॉपर प्लस टू में, तो कॉपर सॉलिड जो होगा ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है यहाँ पे, तो दो इलेक्ट्रॉन तो रॉड के ऊपर रह गया, और ये प्लस टू कहां पे आ गया, सॉल्यूशन के अंदर। अब अगर इसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज होगी तो नीचे ये सेटल डाउन हो जाएंगे, और बाकी जो प्योर वाला होगा वो कॉपर प्लस टू फिर से कहां पे, इस रॉड के ऊपर डिपोजिट हो गया, तो वो क्या हो गया, एट कैथोड। आया समझ में, कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन, तो वो पूरा वाला बनता है ना, एनोड माइनस चार्ज वाला, हाँ कैथोड पॉजिटिव चार्ज। सर ये फॉलिंग मतलब आपने क्या बताया, फॉलिंग मतलब ये होता है ना कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है ना वहां पे कॉपर ऑक्साइड, तो क्या होता है, इम्प्योरिटीज होती है, तो उसके लिए अपन वहां से भी कॉपर अगर निकालना होता है तो फॉलिंग यूज करते हैं। ये वाला कॉपर और ब्लिस्टर कॉपर से मिलकर फिर एनोड रॉड बनाते हैं, ला के यहाँ पे डिप करते हैं उसको, फिर ये प्रोसेस चलाते हैं, तो यहाँ से जो मिलेगा ना वो क्या होगा, प्योर कॉपर होगा। अच्छा मम्मी से बात कर रहे थे, कोई कोई दिक्कत नहीं है, चलो बस। अरे नोट कर लो आप, ओके चलो। अरे सर रुको रुको, सर मैंने तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया सर, एक सेकंड। स्टार्ट भी नहीं किया, ये डायग्राम बना रहा हूँ। मोस्ट वेलकम है, आइए लिखिए कल सुबह तक, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है सर। हाँ एनोड का ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे तो ऑक्सीडेशन ही चलते हैं ना सर। हाँ बोलो, मतलब जब ये एनोड के कॉपर में से Cu प्लस टू और प्लस टू इलेक्ट्रॉन बनता है, हाँ। उसमें से Cu प्लस टू सोल्यूशन में जाता है और इलेक्ट्रॉन उधर ही रह जाता है ना रोड के ऊपर, वही रोड वाला आगे भेजता है ना क्या, मतलब Cu प्लस टू आगे भेजता है और इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेता है। Cu प्लस टू कहाँ पे आ गया, सोल्यूशन के अंदर ना आ गया ना, ये रोड पे रहता है। हाँ ओके, हाँ सर मिटा दो, एक सेकंड सर, वो रिएक्शन बाकी है। चलो देखना, कॉपर का एक्सट्रैक्शन खत्म हुआ, जिंक पे आते हैं। आपने कहा था जिंक दो लाइन का है, तो अभी बोले क्या जिंक के बारे में कुछ, ये कॉपर पढ़ा रहा हूँ मैं। अरे नहीं उतना छोटा ही है ना, कि बहुत छोटा है सर, इसको धीरे धीरे ले रहे हो, हल्का हल्का बना के क्या रहे, क्लास का टाइप में साइड में बोतल तो बाटली तो नहीं रखे ना चीन में तुम, ग्लास पड़ा है, ग्लास पड़ा है, सोडा है उससे सोडा आइसक्रीम मंगा लो, थोड़ा थोड़ा फिलिंग लो, खाली ग्लास पड़ा है सर, वो भी बोतल मम्मी देख रही है। चलो देखना अब एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, जिंक का एक्सट्रैक्शन है, दो लाइन में, ये पहला लाइन ये दूसरा लाइन, खत्म हो गया। बाय सर, खत्म हो गया, तो जान क्लियर है इसके, वो निकाल दो सर आफ्टर रिकॉर्डिंग पे, जिंक ब्लेंड जिनमें अच्छा बच्चा है, डिसिप्लिन वाला है, ब्लेंड के आगे ई क्यों आता है ये समझ नहीं आया मुझे, ए क्या बोल रहे हैं, जैसे तेरे आगे सी आता है वैसे ब्लेंड के आगे ये आता है। हाँ
अरे तो स्पेलिंग से फर्क थोड़ी पड़ेगा अगर ये ई हटा दे तो नहीं लिखना अब तुम नहीं लिखोगे तो आगे कोई तेरे को हंटर से सोटने लगेगा क्या रे ऑनलाइन क्लास चल रही है केले माइंड जिंकाइट सर आपने पहले नहीं लिख पाया था क्या पहले नहीं कौन सा नहीं लिखा कैलेमाइन तो है जिंकाइट नहीं लिखा जिंकाइट नहीं लिखवाया था अब बताओ अपन इस वाले से करते सल्फाइड और से तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में क्या लगाएंगे अपन फ्लोटेशन पहला आता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर उसको छोड़ दिया मैंने तो ये स्टेप वन हो गया स्टेप टू में सल्फाइड हो रहे तो क्या आएगा रोस्टिंग या कैल्सिनेशन रोस्टिंग 1200 केल्विन पे करते हैं अपन तो जिंक सल्फाइड को अगर आप रोस्टिंग करवाओगे तो ये क्या हो जाएगा जिंक ऑक्साइड हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा SO2 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएंगे ये 3 हो जाएंगे और ये 22 फिर इसके बाद स्टेप थर्ड में क्या होता है रिडक्शन करवाते हैं अपन रिडक्शन के लिए आपको वहां पे ऑप्शन दिया गया था कि कोई सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट लगा करके अपन यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे जो सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना वो क्या आपके पास कार्बन भी होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है बट कार्बन मोनोऑक्साइड के कंपेरिजन में कार्बन जो होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है रिड्यूसिंग एजेंट में हाँ डेल्टा जी का फर्क आ जाता है ZnO प्लस C सर मैंने क्या रीजन लिखा था पता है अरे आप सुनो तो सही रीजन सुन के अगर CO से करेंगे ना तो डायरेक्ट CO2 बन जाएगा उसके बाद नहीं कर सकते पर अगर C से करेंगे तो एक बार CO बनेगा फिर दूसरी बार और कर सकते हैं तो CO2 भी मिलेगा इसलिए ये क्या रीजन हुआ बेटा एग्जामिन इज बेटर देन एग्जामिनर हो गया चल इधर डेल्टा जी का क्या होता है डिफरेंस हो जाता है तो डेल्टा डेल्टा जी हो गया वो यहाँ पे फिर एक जो इम्प्योर रॉड होगा ना इम्प्योर उसी की तरह है इसको जिंक मान लो और प्योर वाला क्या हो गया ये भी जिंक होगा लेकिन एक एनोड होगा तो दूसरा क्या होगा कैथोड होगा एक एनोड होगा तो दूसरा कैथोड होगा ये ZnSO4 होगा रिएक्शन उसी की तरह चलेंगे इम्प्योरिटी जो नीचे सेटल डाउन हो जाता है उसको एनोड मड के नाम से जानते हैं एनोड मड ये एट एनोड है क्या होगा जिंक से ZN प्लस 2 प्लस में क्या आएगा 2 इलेक्ट्रॉन एट कैथोड पे बताओ ZN प्लस 2 से 2 इलेक्ट्रॉन और ये जिंक नोट कर लो और आ जाओ जो मैंने आपको होमवर्क दिया था सर एक बात पूछनी है आपसे आप पूछो ना मैं और अमन आज 7:30 को लीव कर सकते हैं क्यों कहाँ जा रहे दोनों मिलकर रुको रुको बाहर जाना है सर पर अभी 7:30 तक तो आराम से उसका डिस्कशन अगर ये डिस्कशन भी खत्म हो गया तो आप छोड़ दोगे छोड़ने हैं डी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे सर ऐसा सब कुछ आज ही कर लेंगे तो कल क्या करेंगे सब कुछ आज ही कर लेंगे तो कल क्या करेंगे तो बेटा रोज दिन नए नए मैसेज करते हो ना तो मैंने पूछा कभी फिर मैं तो मत बोल कुछ अरे नहीं आज ये चैप्टर खत्म भी करेंगे फिर डिस्कशन भी फिर नया चैप्टर हाँ। भी स्टार्ट तेरे मन होता है तो करते हो ना 12 बजे रात में फायर इमोजी भेजते हो कभी 10 बजे भेजते हो मेरा भी मन नहीं यार पढ़ाने का तो मैं पढ़ाऊंगा कभी डी ब्लॉक पढ़ाऊंगा कभी पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा सर तो जा सकते है कि
अभी 7:30 बजा क्या है भाई? अरे सर लेते हैं, क्या जा रहा है वैसे भी? चलो इसको हटाए ना। नहीं नहीं लिखने दो, नोट मत। दोनों मिलके जा रहे हैं, जुगल भी जा रहा है क्या? नहीं नहीं जुगल तो नहीं सर, तीन जने नहीं होते ना। नहीं नहीं फ्रेंड बेटा की फ्रेंड ही है। ओह माय गॉड। इसको हटाए ना अपन। नहीं नहीं रुको, उदय कहाँ जा रहे हो, बर्थडे पे जा रहे हो क्या? हाँ सर। चिन्मय को बर्थडे रिकॉर्डिंग करके बर्थडे पे जा रहा हूँ, मेरा बर्थडे थोड़ी है। ओह तो मतलब ये कॉमन फ्रेंड नहीं है क्या? इससे तुम लोग तो एक ही स्कूल में थे। अरे सर मतलब ये थोड़ा हटके है, आपका स्टूडेंट ही है। हाँ टेंथ में आपसे पढ़ता था लास्ट ईयर। अच्छा फिर मैं गेस कर लेता हूँ ना, माना भाई क्या? नहीं नहीं वो तो हमारे साथ पढ़ता है, हमसे एक साल छोटा है ये। हाँ तेरे से एक साल छोटा है, मतलब अभी वो 11th में है। हाँ सर गेस करो सर, इंस्टाग्राम की स्टोरी बोरी खोलो पता चल जाएगा। ए इसका बर्थडे है? अरे आज नहीं वो छोड़ता बदियानी। नहीं पता है किसका है। हाँ ये चिंटू ने सही बोला। चिंटू किसका बोले तुम? रेश बदियानी। रेश आज छोड़ गया उसका तो परसों आया तो आज कौन पार्टी नहीं दे सकता। नमन का भाई है। चलो आ जाओ जल्दी। नमन का भाई नहीं है। ए, नमन का भाई। कर दिया तुमने। अरे सर लोग यार उधर तू इधर उधर देख के आते हो, फिर इधर आते तो वायरस इधर आ जाते हैं। देखो इधर सर फिर से ट्राई करो ना बस यार। इसके और जो होंगे FBS2 इससे अपन काम चलाने वाले हैं। कॉपर पाइराइट है सर, पर FBS2 में कॉपर ही नहीं है। क्या बोल रहे हो? UF FBS2 CU लिखना भूल गए सर। अरे CU आ जाएगा, नहीं है तो। सबसे पहला बताओ कंसंट्रेशन ऑफ ओर में कौन सा मंत्र लगाएंगे? चिन्मय बताएगा, तुम लोग शांत रहो। चलो बताओ रे चिन्मय, कंसंट्रेशन ऑफ ओर में कौन सा मंत्र लगाएंगे? सर लीचिंग। लीचिंग या शिवरात्रि खत्म हो गया, भांग नहीं दारू पी। ठीक है कंसेंट्रेशन ऑफ ओर सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर के लिए क्या लगाते हैं अपन? फ्लोट फ्लोटेशन। तो फ्लोट फ्लोटेशन फ्लोटेशन क्या है उसमें? हाँ बेटा फ्लोट फ्लोटेशन झाग बनता है उससे, झाग। वो झाग को स्टेबलाइज भी कर सकते हैं। झाग को तो तुम ही लोग स्टेबलाइज कर सकते हो, फ्लोट फ्लोटेशन मेथड। अब इसमें क्या होता है नहीं होता वो आपको पहले मैंने बता रखा, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड में फ्रॉथर्स के लिए यूज करते हैं अपन पाइन ऑयल, और फ्रॉथ स्टेबलाइजर में क्रिशोल या एनिलोन एनिलीन यूज करते हैं। दूसरा कलेक्टर में यूज करता है जो वेटिंग क्वालिटी एक लास्ट में डिप्रेसेंट यूज करते हैं, दो सल्फाइड में से एक को ड्रॉप करने के लाने के लिए एक्टिवेटर CuSO4 सेकेंड ऑप्शन है। रोस्टिंग रोस्टेड चिकन देखना इधर रोस्टिंग जो होगा। हाँ तो मैंने एक्टिवेटर में CuSO4 ना। हाँ रोस्टिंग S+O2 ये क्या होता है? इसमें हीट किया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। आर्सेनिक के इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होते हैं, तो जिसके इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगे ना वो कहां पे निकल जाएगा? S2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड। हाँ अरे किंसुक आया क्या? किंसुक अरे उसको उसने मैसेज नहीं देखा होगा। हाँ सर आया हूँ। तो ये जूम ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही थी क्या तेरे को? जूम कनेक्ट करने में? नहीं अभी नहीं।
इलेवेंथ में दो बच्चे का जो आई सी आया, इसीलिए मैंने पूछा, नोट कर लो सर आपने पासवर्ड बदल दिया ना इसलिए। जो पासवर्ड केमिस्ट्री, लेकिन अभी बदला है मैंने पासवर्ड। अरे सर एक्चुअली क्या, मैंने ट्राई किया दोनों पासवर्ड, आपने जो दोपहर को दिया था वो भी और पूरा ना वाला केमिस्ट्री 2020, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं चला। फिर मैं फोन में से आया, उसमें से पासवर्ड देख के इसमें से आया। अच्छा, और नोटबुक कंप्लीट कर लिए तुम? नहीं सर अभी तक तो नहीं, क्योंकि मतलब करना होता है ना, अभी ऐसा लग रहा है कि संडे तक पहुंच जाएगी, कुछ नक्की नहीं टेस्ट किए ना, इसलिए उसकी भी प्रिपरेशन करनी है। ऐसा नहीं देखना कि एग्जाम निकल जाए नोटबुक ही ना कंप्लीट हो, किन सो थोड़ा स्पीड में। बाकी रिकॉर्डिंग लेना है तो चिंटू से ले सकते हो रिकॉर्डिंग। हाँ पढ़ाई की सिर्फ, ठीक है सर अब पढ़ाई की, क्योंकि उसके पास तो कंटेंट की कमी नहीं है। वही तू पढ़ाई का कंटेंट मांगना सिर्फ, तो सारे कुछ है। कल जा रहे थे तो उधर चिंटू तुम झाड़े में क्या कर रहे थे? सिर्फ चिन्मय के पास बोर्ड की रिकॉर्डिंग थोड़ी ना होगी। अच्छा बोर्ड मतलब प्रथम प्रथम के चैनल सब कुछ है, देख लेना। ठीक है ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलो नेक्स्ट है स्मेल्टिंग इन ब्लास्ट फर्नेस ब्लास्ट। हाँ बोलो बोलो। अरे ये स्टार्टिंग का समझ नहीं आया सर। स्टार्टिंग में लिखा गया जो नहीं समझ में आया ये बताओ। ये प्रोसेस कंसेंट्रेशन सल्फाइड हो रहे तो फ्रॉथ फ्लोटेशन लगा देना अपन। हाँ आया समझ में? हाँ उसके बाद ऑक्सीजन में क्या करते हैं अपन, जलाते हैं, जिसकी जल गई वो बाहर निकल जाएगा, जो नहीं जला वो रह गया। सल्फर जल गया तो SO2 बाहर निकल गया, ये आर्सेनिक ऑक्साइड, ये इम्प्योरिटीज होती है। ठीक है आगे थोड़ा समझ में? चलो देखना इसमें सबसे पहला पॉइंट है ये स्मेल्टिंग में लिखा है रोस्टेड ओर। रोस्टेड ओर इज मिक्स विथ ओक एंड सैंड। सैंड का मतलब बालू, नहीं 4-5 kg मिला दो गया मिट्टी हुआ कहने का मतलब। सेकेंड पॉइंट दिस सर मतलब जाने मिला। अच्छा सैंड 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 का अच्छा, मतलब लगा सर सर मिट्टी मिट्टी। हाँ मतलब 5 kg नहीं डालनी है, 5 kg नहीं थोड़ा बहुत मिलाना है। सैंड लिखा हुआ है SAND। सेकेंड पॉइंट दिस मिक्सर इज, उसके बाद इसको अपन ब्लास्ट फर्नेस में झोंकते हैं इनटू द ब्लास्ट फर्नेस। आज होमवर्क करके कौन कौन नहीं लाए हो जान को छोड़ करके? हॉट एयर कन्वर्ट FeO सर। हाँ आपने होमवर्क दिया था उसमें एक कॉपर का जिंक का क्वेश्चन था, वो तो अभी आप पढ़ाओगे फिर हो जाएगा। पहले पढ़ा रखा है तेरे को एक्सट्रैक्शन का? हाँ मेरे को पढ़ा रखा है इसलिए मेरे ऐसे हो गया, लेकिन ऐसे जनरल। नेक्स्ट में डी पॉइंट स्लैग फ्लोट्स ओवर मोल्टन मेट ऑफ कॉपर। ये स्मेल्टिंग में इतने सारे प्रोसेस होते हैं, अभी आप नोट करो, मैं नीचे रिएक्शन लिखता हूं। अरे मैट क्या होता है? अरे कॉपर मैट होता है FeS+Cu2S। मोल्टन मिक्सचर होता है फेरस सल्फाइड और कॉपर सल्फाइड का। ओके सर हो गया डन। हाँ सर हो गया।
चलो इसको हटाता हूँ, देखना रिएक्शन लिखता हूँ। उसमें ये लिखा गया था क्या कि सबसे पहले रोस्टेड और जो होगा उसको मिक्स करते कोक एंड सैंड के साथ, फिर उसको किस में डालते अपन ग्लास फर्नेस में, वहां से फिर हॉट एयर पास करवाते हैं। तो हॉट एयर पास करवाओगे ना तो FeO जो होगा SiO के साथ मिलकर के स्लैग का फॉर्मेशन करेगा, और वही स्लैग जो होगा जैसे ग्लास फर्नेस में फ्लोट करता था ना वैसे यहाँ पर भी फ्लोट करता है, फिर वहां से निकाल दिया जाता है। ड्यू टू ओ प्लस में FeS, ये आपस में मिलकर के कॉपर Cu2S प्लस FeS बना लेता है। यही क्या होता है अपना कॉपर माइंड के नाम से जानते हैं। अब इसके अंदर जो FeO प्लस SiO2 ये FeSiO3 ये क्या हो गया फ्लक्स की तरह काम करता है, तो ये इंप्योरिटी जो हो गए बताओ ये क्या बन जाएगा स्लैग होगा। फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ स्टेप है, पहला था कंसंट्रेशन ऑफ और दूसरा रोस्टिंग, तीसरा स्मेल्टिंग, चौथा है बेसमेराइजेशन। ये बिल्कुल ब्लास्ट फर्नेस की तरह ही होता है, बस गैस निकलने के लिए यहाँ पे ऊपर में छोटे छोटे होल किए जाते हैं, ठीक है। ये तो गैस नहीं निकलेगा बेटा, तो समझ में आ रहा है ना क्या होगा, पानी खत्म गड़बड़, इसलिए गैस बन रहा है तो गैस निकलना बहुत जरूरी है। अल्टरनेट इज हीटेड इन मार्कर सही से चल नहीं रहा है, इसमें कन्वर्टर और नोटबुक बनाए हो ना तुम लोग या फिर सरफेस केमिस्ट्री तेरे को तीन बार पढ़ाया, पूरा नहीं था तेरा सरफेस केमिस्ट्री लास्ट वाले बाकी का बोल दे। मैंने तो लास्ट का भी पढ़ाया, शुरू का भी पढ़ाया ना रे, शुरू का लिखा है अब बोलेगा बीच वाला बाकी था। पर सच्चा दोस्त है हर्ष। हाँ रिएक्शन लिख रहा हूँ, और जो सल्फाइड और होता है उसको अगर आपने हीट किया ना तो ये FeO प्लस में क्या बन जाता है SO2 बन जाता है, फिर यही FeO ऊपर वाला रिएक्शन एक बार रिपीट हो गया है SiO2 के साथ मिलकर के FeSiO3 ये स्लैग बन गया। आपके पास जो Cu2S बचा हुआ है ना ये जो ऊपर लिखा है उसको हटा सकते क्या अपन? यस ये ऐसा Cu2S प्लस में O2 सल्फाइड हो रहा है, इसके हीटिंग करोगे तो ऑक्साइड बनेगा प्लस सल्फर डाई ऑक्साइड बन जाएगा। रिएक्शन बैलेंस करना चाहो तो 2 हो गया 3 हो गया यहाँ पे 2 2 22। इसके बाद फिर से Cu2O जो होगा Cu2S के साथ मिलकर के Cu प्लस SO2 बताओ रे चिंटू ये कौन सा रिएक्शन है, ये पूरा कौन सा रिएक्शन है? अरे वो कॉपर ग्लांस वाला नाम याद नहीं आ रहा, सेल्फ रिडक्शन वाला। सेल्फ रिडक्शन सही है, अरे नाम याद नहीं आ रहा, यही है यही है। अब नाम से क्या नाम निकालोगे क्या इसका, भाई नाम यही लिखा है सेल्फ रिडक्शन कॉपर ग्लांस के साथ और किसके साथ प्रोसेस जैसा नाम होगा, ये सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस नहीं है। और ये जो कॉपर होता है ये ब्लिस्टर कॉपर होता है, ब्लिस्टर कॉपर हाँ ये भी पढ़ा है ब्लिस्टर, ब्लिस्टर भंडारी ब्लिस्टर का मतलब समझते हो तुम ताले भंडारी है भंडारी सर बोले ब्लिस्टर का मतलब समझते हो क्या आप?
तो इंटरवल लेके क्यों बोलते हो रे? सोच रहा था, सोच रहा था। हाँ बोलूँ या ना बोलूँ? फिर तूने हाँ बोला है तो समझा मेरे को क्या होता है। अब ना मत बोलना। मैं से समझाऊ कि समझा नहीं पाऊंगा आपको? जो तेरे को समझ में आ रहा है मेरे को बोल दे, मैं समझ जाऊंगा। मतलब ऐसे कोई जगह पे ऐसे जलती है ना, मतलब ऐसा कुछ होता है ना? जलती है मान। अच्छा, कोई जगह पे जलती है वहां पे क्या हो जाता है? मतलब ऐसा ही होता है। जहां पे जलती वहां पे ब्लिस्टर कॉपर की तरह मतलब हो जाता है क्या? भंडारी के लैंग्वेज में ब्लिस्टर कॉपर समझ। जहां पे जलेगी वहां का सीन कैसा हो जाएगा? ब्लिस्टर ब्लिस्टर हो जाएगा। तूने देखा है ब्लिस्टर कॉपर? ब्लिस्टर कॉपर वो यार फफोलेदार बोलते हैं हिंदी में ना उसको। हाँ। जैसे बोले थे ना बेसन अगर आप पानी में डालते हो तो कितना भी मिक्स कर लो लेकिन ऊपर छोटा छोटा ना वो सर्पिल टाइप पे थोड़ा थोड़ा सा बना रह जाता, बबल्स टाइप पे। हाँ तो ब्लिस्टर वैसे ही होता है। ये आपने पहले बताया था कहीं? हाँ, जैसे बोल समझते हो ना, मान लो तेरे पास ना ये, हाँ याद आ गया मुझे। अरे चिन्मय क्यों गंद फैला रहे हो? यहाँ से उड़ते हुए कहाँ जा रहे थे? नीचे तुम्हारी जल रही थी क्या? बेटा ब्लिस्टर इधर बना, तेरे को क्यों दिक्कत हुई? देखो जैसे जो मिल्क होते ना, मिल्क मिल्क इसको बड़ा सा कंटेनर में रखो, हीट देते रहो देते रहो देते रहो, एक टाइम ऐसा आएगा कि बिल्कुल ये क्या हो जाता है, कंसंट्रेट हो जाता है ना, मतलब जो भी पानी था वो पानी खत्म हो जाती है इसके अंदर। अब पूरा ये कंसंट्रेट हो गया, अब जो यार जैसे ही हीट करोगे तो ये जो थोड़ा थोड़ा सा ऐसे बबल्स बन के फटता है ना, वही ब्लिस्टर हुआ। दूध फट जाता बोलते है। अरे दूध फट जाता वो ब्लिस्टर नहीं हुआ। हाँ हाँ ये हमारी सही बोल रहा है, वो जो बुलबुले टाइप के हो जाते है ना वो, और मावा समझते हो ना मावा? वो मावा नहीं, खाने वाला नहीं, वो बोला मतलब एक दूध वाला मावा होता है ना, एक तो वो होता है जो खाते रहते है सब चलते फिरते मिला मिला के यहाँ पे टेपते रहते हैं। तो पीड़े वाला मावा ना, ये दूध वाला मावे की बात कर रहा हूँ मैं। तो मावा बनने के बीच में जो प्रोसेस होता है उसमें ये से थोड़े थोड़े ये से बबल्स जो बनने लगते हैं वही ब्लिस्टर होता है, वो ब्लिस्टर मिल्क हो गया कॉपर के टर्म में ब्लिस्टर। चलो यार मावा मतलब वही ना, गोले के ऊपर डाल के खाते है वो। हाँ गोले के ऊपर। हाँ मैं भी तो यही बोल रहा था, वो मावा अलग होता है। अरे एक तो वो जो पान शिखर गुटका मसाला पान पराग रजनीगंधा खाते वो मावा नहीं, नहीं वो नहीं बात बोले मावा मटर डालते वो वाला। अरे देख उदय उदय देख, वो गोले के ऊपर होता है ना वो ड्राई फ्रूट्स को मावा कहते हैं, और वो पेड़े में जो आता है वो वाला मावा, वो मलाई समझ रहा है, मलाई पाउडर डालते थैली इसके अंदर छोटे छोटे इसके अंदर चूने होते हैं और मावा होते थोड़े थोड़े कसैली होता है, उसको ऐसे मिला के सीधे मुंह के अंदर जाता है बेटा। सर हमने ब्लिस्टर के ऊपर इतना लंबा डिस्कशन क्यों किया? क्यों समझाना मेरा काम है ना, तुम्हारी क्यों जल रही है? सर मैं भी तो यही बोला था ब्लिस्टर का मीनिंग। तुमने भी यही बोला था? बुलबुले कला वर्णन बोला था। अरे भंडारी बोला जहाँ पे जलेगी वहाँ पे ब्लिस्टर बनेगा। अरे मतलब मेरा कहने का मतलब यही था बस, ऐसे मुंह पे आने का। जलेगी वहाँ पर बुलबुले होंगे, जहाँ पे जलेगी वहाँ पे बुलबुले आएंगे, जिसकी जली है उससे पूछो बुलबुले बने तो उसने ब्लिस्टर देखा है। आपने भी देखा होगा नहीं?
फिफ्थ में रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ठीक है। रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में देखो क्या होता है, इसमें ना वो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में पोलिंग यूज करते हैं अपन। पोलिंग आपको याद आ रहा है क्या होता है? पोलिंग जो होता है उसमें मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है खुद क्या होता है, इम्प्योरिटीज के टाइम में होता है। तो यहाँ से पोलिंग किया जाता है तो थोड़ा बहुत कॉपर और क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है। और बिल्कुल लास्ट स्टेप में आके फिर उसको क्या करते हैं अपन, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हैं, मतलब एनोड कैथोड वाला टर्म आता है। तो उसमें क्या होगा, ये एक कंटेनर होगा, एक कॉपर का ही क्या लिया जाता है यहाँ पे, एनोड लिया जाता है, एनोड कॉपर रॉड, कॉपर रॉड, लेकिन ये इम्प्योर होगा। और प्योर वाला कैथोड है, ये प्योर होगा। तो एनोड तो कुछ भी नहीं रख सकते, उस पर रखोगे तो रिएक्शन उल्टे पुल्टे हो जाएंगे ना, प्योर वाला इम्प्योर पे चला जाएगा। नहीं, कैथोड तो सही है, पर ये क्योंकि वो CU2 है, एनोड को कॉपर के अलावा कुछ भी रख सकते हैं ना ऐसा। अरे ऊपर जो बना ना आपके पास कॉपर, उसी का फिर इलेक्ट्रोड वो बना लिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट है। अभी तक आपने कॉपर बनाया, पोलिंग बनाया, उससे क्या बना लोगे आप, एनोड, और एक प्योर रॉड कॉपर लिया जाता है, ठीक है। जहां पे अब मान लो ये एनोड वाला है, तो एनोड क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है ना, एट एनोड क्या होता है, ऑक्सीडाइज। इसके अंदर भी कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया जाता है, तो कॉपर क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन रॉड के ऊपर छोड़ेगा, और ये कहां पे आ जाता है, कॉपर प्लस टू में, तो कॉपर सॉलिड जो होगा ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है यहाँ पे, तो दो इलेक्ट्रॉन तो रॉड के ऊपर रह गया, और ये प्लस टू कहां पे आ गया, सॉल्यूशन के अंदर। अब अगर इसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज होगी तो नीचे ये सेटल डाउन हो जाएंगे, और बाकी जो प्योर वाला होगा वो कॉपर प्लस टू फिर से कहां पे, इस रॉड के ऊपर डिपोजिट हो गया, तो वो क्या हो गया, एट कैथोड। आया समझ में, कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन, तो वो पूरा वाला बनता है ना, एनोड माइनस चार्ज वाला, और हाँ, ये कैथोड पॉजिटिव चार्ज। सर ये पोलिंग मतलब आपने क्या बताया, पोलिंग मतलब ये होता है ना कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है ना वहां पे कॉपर ऑक्साइड खुद क्या होता है, इम्प्योरिटीज होती है, तो उसके लिए अपन वहां से भी कॉपर अगर निकालना होता है तो पोलिंग यूज करते हैं। ये वाला कॉपर और ब्लिस्टर कॉपर से मिलकर फिर एनोड रॉड बनाते हैं, अगला के यहाँ पे डिप करते हैं उसको, फिर ये प्रोसेस चलाते हैं, तो यहाँ से जो मिलेगा ना वो क्या होगा, प्योर कॉपर होगा। मम्मी से बात कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, चलो बस। अरे नोट कर लो आप, ओके चलो। अरे सर रुको रुको, सर मैंने तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया सर, एक सेकंड। स्टार्ट भी नहीं किया, ये डायग्राम बना रहा हूँ। The most welcome, आइए लिखिए कल सुबह तक, कोई दिक्कत नहीं है। सर इतना स्लो नहीं, हाँ एनोड का ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे तो ऑक्सीडेशन ही चलते हैं ना सर। हाँ बोलो, मतलब जब ये एनोड के कॉपर में से Cu+2 और +2 इलेक्ट्रॉन बनता है, उसमें से Cu+2 सॉल्यूशन में जाता है और इलेक्ट्रॉन उधर ही रह जाता है ना रॉड के ऊपर, वही रॉड वाला आगे भेजता है ना क्या, मतलब Cu+2 आगे भेजता है और इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेता है। Cu+2 कहाँ पे आ गया, सॉल्यूशन के अंदर ना आ गया ना, ये रॉड पे रहता है। हाँ ओके, हाँ सर मिटा दो, एक सेकंड सर वो रिएक्शन बाकी है। चलो देखना, कॉपी में चिन्ह में तुम ग्लास पड़ा है, ग्लास पड़ा है,
सोडा है उससे सोडा आइसक्रीम मंगा लो, थोड़ा थोड़ा फिलिंग लो। होटल मम्मी लेके गई। चलो देखना अब एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, जिंक का एक्सट्रैक्शन है। दो लाइन में, ये पहला लाइन, ये दूसरा लाइन, खत्म हो गया। बाय सर। इसके रिकॉर्डिंग पे जिंक ब्लेंड में अच्छा बच्चा है, डिसिप्लिन वाला है। ब्लेंड के आगे ई क्यों आता है ये समझ नहीं आया मुझे। ए क्या बोल रहे हैं? अरे तो स्पेलिंग से फर्क थोड़ी पड़ेगा अगर ये ई हटा दे तो। नहीं लिखना, तुम नहीं लिखोगे तो आगे कोई तेरे को हंटर से सोटने लगेगा क्या रहे? ऑनलाइन क्लास चल रही है। केलेमाइन जिंकाइट जेडेन, आपने पहले नहीं लिख पाया था क्या? पहला नहीं कौन सा नहीं लिखा? केलेमाइन तो है, जिंकाइट नहीं लिखा। जिंकाइट नहीं लिखवाया था, लिखवाया था अब बताओ। अपन इस वाले से करते सल्फाइड ओर से, तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में क्या लगाएंगे अपन? फ्लोटेशन। फ्लोटेशन पहला आता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर, उसको छोड़ दिया मैंने, तो ये स्टेप वन हो गया। स्टेप टू में सल्फाइड ओर है तो क्या आएगा, रोस्टिंग या कैल्सिनेशन? रोस्टिंग। 1200 केल्विन पे करते हैं अपन। तो जिंक सल्फाइड को अगर आप रोस्टिंग करवाओगे तो ये क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, SO2 हो जाएगा। ये 2 हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे, और ये 22। फिर इसके बाद स्टेप थर्ड में क्या होता है, रिडक्शन करवाते हैं अपन। रिडक्शन के लिए आपको वहां पे ऑप्शन दिया गया था कि कोई सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट लगा करके अपन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना, वो क्या, आपके पास कार्बन भी होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, बट कार्बन मोनोऑक्साइड के कंपेरिजन में कार्बन जो होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है रिड्यूसिंग एजेंट में। हाँ, डेल्टा जी का फर्क था, डेल्टा जी का फर्क आ जाता है। सर मैंने क्या रीजन लिखा था पता है? अरे आप सुनो तो सही, रीजन सुन के, अगर CO से करेंगे ना तो डायरेक्ट CO2 बन जाएगा, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। पर अगर C से करेंगे तो एक बार CO बनेगा, फिर दूसरी बार और कर सकते हैं, तो CO2 भी मिलेगा। इसलिए इससे ये क्या रीजन हुआ? एग्जामिन इज बेटर देन एग्जामिनर हो गया। चल इधर आ, क्या कौन से करेगा यहाँ पे फिर एक जो इम्प्योर रॉड होगा ना, इम्प्योर उसी की तरह है, इसको जिंक मान लो, और प्योर वाला क्या हो गया, ये भी जिंक होगा, लेकिन एक एनोड होगा तो दूसरा क्या होगा, कैथोड होगा। एक एनोड होगा तो दूसरा कैथोड होगा, ये ZnSO4 होगा। रिएक्शन उसी की तरह चलेंगे, इम्प्योरिटी जो नीचे सेटल डाउन हो जाता है उसको एनोड मड के नाम से जानते हैं। एनोड मड, ये एट एनोड है। क्या होगा, जिंक से ZN +2, प्लस में क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन एट कैथोड पे, बताओ ZN +2 से 2 इलेक्ट्रॉन और ये जिंक, नोट कर लो और आ जाओ जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। सर सर एक बात पूछनी है आपसे। यस सर, वी आर ओके। चलो सर, डिस्कशन का क्या हुआ? डिस्कशन अभी हो गया।
ये उतना नहीं है, ये हार्डली 5 क्लास लगेगा इसमें, क्योंकि जो भी पढ़ना है ना मोस्टली क्वेश्चन आपको 3D से मिलते हैं, 3D सीरीज से, 3D मतलब 21 से लेके 30 तक एलिमेंट, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान से आप देखना, किसी का भी आप लिख लो, जैसे एक मैं आयरन का लिख लेता हूँ, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और क्या गया 4s2 और 3d6, आउटर मोस्ट ऑर्बिट आपके पास क्या है n=4 है, तो ये क्या हो गया n-1d हो गया ना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप क्या लिखोगे n-1d में 1 to 6 आएगा और ये ns कितना 1 to 2, आया समझ में? यस सर। एक्सेप्ट प्लेडियम, इसका हो जाता 4 to 10 और 5s0, ये एक्सेप्शन ऑफ n+l रूल। हेलो हर्ष सर, निकलियम हो गया? हाँ हर्ष से आवाज आ रही है, हर आवाज जा रही है। अच्छा ये कब का कनेक्टिंग ही हो रहा था, अभी आया मैं। अच्छा आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, भंडारी का भी वही हो रहा है कनेक्टिंग। नवाबी क्यों करें मौत तक रुकावटे गांव में पड़ेगी, गांव बोले तो RH, गांव में पड़ेगी बिल्डिंग। अरे वापस लिखना है हमें, और पिटाई होगी, एजी प्लेटिनम एयू, ये जो सब है ना ये ये कौन से है, जैसे कॉपर का 4s1 3d10 होता है ना, नहीं इसके ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s=1 होता है। ठीक है, जैसे कॉपर का आप लिखते हो ना तो क्या होता है 3d 4s1 और 3d10 हो जाता है ना, वैसे इसके नीचे वाले का आप लिखोगे वो आ जाएगा। जैसे आयरन का देखो, यहाँ पे आयरन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखना चाहो तो ये तो कोई एक नोबेल गैस आएगा आर्गन, और 3d6 होगा और 4s क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देन आयरन के नीचे आता अपना रूथेनियम, रूथेनियम एक्सेप्शन एलिमेंट में, तो नॉर्मल तरीके से ऐसा आना चाहिए था 4d6 आता और 5s2, लेकिन एक्सेप्शन होने की वजह से ये आर्गन हो जाएगा और 4d6 के बदले 4d7 और 5s1 सर, गलत है ये। हाँ पर ये आपने ऐसा बताया था वो क्रोमियम और जिंक नहीं है, कॉपर और उसमें है d4 d5 हो जाते हैं। हाँ सर, तो इसमें D7 क्यों हुआ? भाई वो n+l रूल को वायलेट करता है, इस वजह से हो जा रहा है, इसलिए तो मैंने इतने सारे एलिमेंट लिखे हैं जो डी ब्लॉक में काम आने वाला है। सर इसमें PD नहीं आएगा ना, वो तो आपने ऊपर लिखा ना s0। अरे 3D की बात नहीं, नॉर्मल तरीके से आप लिखोगे ना तो डी पी का कोई लेना देना नहीं होता, बस s का तो ये गलत है, तो ये 5s1 आएगा, बस s वाले को चेंज करना है, बाकी आगे पीछे जो आए उसको देख लेना है। वही सर, ये ले इसमें सर आपने इसका तो एक्सेप्शन लिखवाया PD का, उसमें तो 5s0 हो रहा है, और नीचे ये लिखा है इसको अलग से लिखा है ना मैंने, बिल्कुल यार लेकिन उसमें भी है ना, क्या ये आपने इसमें भी लिखा है नंबर ऑफ s=1, इसमें भी है देखो गलती से लिख दिया है, ये गलती छा गया नहीं, सेंटेंस तो उड़ा था, राह में रुकावटें पड़ेगी,
पड़ेगी वाला साइलेंट ग्रुप जाना है वो अगर पीडी डालोगे तो बहुत रुकावट है तो प्लेडियम है भी तो वो भी एक्सेप्शन तरीके से ही ना बस वहां पे 4-5-0 हो जाता बाकी सब में क्या होते हैं 1 होते हैं गुड इवनिंग सर सॉरी हमें लिखना है ये वापस लिखना है ना मतलब वो बोर्ड वाला सेमी है ना या कुछ एक्स्ट्रा आगे एक्स्ट्रा आएंगे थोड़ा बहुत ओके ये यार सर वो वेटिंग रूम में तू जाके लेके आओ तुम मैंने तो इधर एडमिट कर लिया लेकिन वो आ नहीं रहा है आर्गन कहाँ लिखा मैंने इधर क्या जाएगा ये क्रिप्टन क्रिप्टन डन हाँ सर उसको हटाते अरे सर मैं पीसी में से तो आ ही नहीं पा रहा हूँ पता नहीं यार जूम का क्या हो गया इंस्टॉल करके मुझे तो पासवर्ड डालने की भी जरूरत नहीं पड़ी वो अपने आप लिंक से क्लिक करने पे अपने आप आ गया हाँ मैं लिंक से आया 3 बार लेकिन आ नहीं पाया तो फिर कैसे आए तुम अभी तो फोन से आया हूँ अभी फोन से आए हाँ मजा आ रहा है ना तेरे को बहुत छोटा दिख रहा है तो वही पूछ रहा हूँ फोन से आए तो मजा आ रहा है ना कि नहीं लैपटॉप पे चाहिए आ रहा है ना आ रहा है अच्छा फिर एंजॉय करो और सर आप बोलोगे क्या वो भी मंगवाओ मतलब भेजू तेरे घर पे मतलब पासवर्ड भेजू कह रहे आप अभी पूछ सकते हो ना उनको पीसी नया भेजू तेरे घर पे तो वहां बोल देगा देखना नेक्स्ट में ऐसा है ध्यान से समझना बात उस जमाने की है जिस जमाने में डी एंड पी बस हुआ करते थे ओल्ड डेफिनेशन ये भी मैं आपको बता रहा हूँ क्या लॉजिक है बहुत समझना उस टाइम पे ये बताया गया वो एक्सपेक्टेड और एग्जैक्ट वैसा करके लिखो ना मजा आता है उसमें ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसा बताया गया लेकिन देखो पीरियडिक टेबल की अगर बात करें अपन पीरियडिक टेबल की बात करें अपन ठीक है तो आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है मेटल होते हैं ना एस से पी की तरफ आप जाते हो ना तो इधर क्या होता है मेटल होते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो क्या होते जाते हैं नॉन मेटल्स होते जाते हैं तो मेटल नॉन मेटल की क्या हो जाती है प्रॉपर्टीज भी चेंज होते जाती है ना समझ में आ रहा है मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है चेंज होता है और उसके बीच में बिल्कुल डी ब्लॉक लाई करता है डी ब्लॉक बीच में आता है ना एस और पी के बीच में आता है इसलिए इसको ट्रांजिशन भी बोला जाता है तो ये ट्रांजिशन जो है ना प्रॉपर्टीज चेंज होने की वजह से ही जैसे जो कॉमन प्रॉपर्टीज है देखो कॉमन प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसके कॉमन प्रॉपर्टीज की वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होगा वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होगा कलर्ड कंपाउंड होते हैं पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक समझते हो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होगी ये सब तो ठीक है लेकिन एक जगह पे दिक्कत आ जाती है प्रॉपर्टीज ठीक है मेटल से नॉन मेटल में आप जाओगे ना मेटल से नॉन मेटल की तरफ तो जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट है ना उसकी कॉमन प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कलर्ड कंपाउंड होते हैं वो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होते हैं ये सारे सारे पॉइंट्स हो करते हैं तो इन सबों को देख करके फिर एक न्यू प्रॉपर्टीज आई न्यू प्रॉपर्टीज नहीं आई न्यू डेफिनेशन आई वो न्यू डेफिनेशन कुछ ऐसा था
कि ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स बट ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक. एक्चुअली रीजन ये है ना कि समझना थोड़ा ध्यान से, जिसके पास ना डी 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 वन से लेके कहां तक डी वन टू डी नाइन आ रहा है. डी वन टू कहां पे आ रहा है, डी नाइन. डी वन से लेके डी नाइन ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं अपने, डी वन से लेके डी नाइन वाला ट्रांजिशन मेटल कहलाते. समझ में आ रहा है? हाँ ये बाप ऐसा डेफिनेशन चेंज क्यों बापा समझा सकते हो? देखो एक्चुअली एस से टी की तरफ जाओगे ना तो जो डी ब्लॉक है उसकी कॉमन प्रॉपर्टीज क्या होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते, कलर्ड कंपाउंड होते, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होती है. तो ये सब के सब किस में देखा गया, डी ब्लॉक में. ठीक है, तो डी ब्लॉक के अंदर में कुछ एलिमेंट जो थे ना इस रूल को वायलेटेड कर रहे थे, इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे. उस बेसिस पे एक टर्म बोला गया कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे वो सबके सब ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होंगे, बट जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे वो डी ब्लॉक होंगे. तो वही मैं समझा रहा हूँ कि जिसके पास आउटर मोस्ट में डी वन से लेकर डी नाइन हो गया वो ट्रांजिशन मेटल हो जाएंगे. जैसे आप जिंक की बात करो तो ये क्या आता है, 3d10 आता है ना. जिंक में क्या आता है, 3d10 आता है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हो. तो मैंने बस कहां से कहां तक लिखा है कि डी वन से लेकर डी नाइन क्या होंगे, ट्रांजिशन मेटल होंगे. बाकी जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, HG हो गया, इन सबों में इसमें 3d10 आता है, 4d10 आता है, 5d10 आ जाता है. तो ये सबके सब जो हो गया ये क्या हो गया, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है. मतलब इनको ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर नहीं रखा जाता. जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, HG हो गया. क्यों नहीं रखा जाएगा, क्योंकि जिसके अंदर D1 से लेकर D9 होगा ना उसी को अपन ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं. तो इन सबों में D10 है. ये D10 होने के कारण ना ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, कलर्ड कंपाउंड, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, इन तीनों को फॉलो ही नहीं कर पाता ये जिंक, कैडमियम, HG. इसलिए उनको क्या बोलते हैं अपन, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट. फिर से एक बार सर अरे तो कॉपर प्लस टू में देखो D9 हो जाता है, जिंक प्लस टू में देखो D10 होता है, जिंक प्लस टू के अंदर D10, कैडमियम प्लस टू ये भी D10 होगा, HG प्लस टू ये भी क्या होता है, D10 होता है. तो आपको कलर के बारे में इतना तो पता होगा कि जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कलर शो करते हैं, जो डायमैग्नेटिक होते हैं वो कलरलेस होते हैं. आप चार्ज भी लगाओगे तो क्या होगा, ये कलरलेस ही रहेगा. तो ये तीनों को तो फॉलो ही नहीं करता है, इसलिए ऐसा बताया गया D1 से लेकर D9 वाले क्या होंगे, ट्रांजिशन मेटल होंगे. ये कॉपर खुद ट्रांजिशन मेटल नहीं होगा, लेकिन जब वो दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो फिर वो बन जाएगा. ऐसा क्या बोल रहे हो, कॉपर वो खुद मतलब फ्री स्टेट में वो नहीं होगा ट्रांजिशन, और लेकिन जब प्लस टू में होगा तो फिर ट्रांजिशन बन जाएगा. हाँ हाँ, अपन ट्रांजिशन मेटल उसको बोलेंगे जिसके पास एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी के अंदर. ठीक है, डी के अंदर कितना होना चाहिए, एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वो ट्रांजिशन मेटल के अंदर आते हैं. तो जिंक, कैडमियम, HG को स्पेशली इसलिए बोला गया है कि इसके ऊपर प्लस चार्ज लगाने के बावजूद भी क्या होता है, ये अनपेयर्ड आता ही नहीं है. जिंक प्लस वन में तो एग्जिस्ट करता नहीं है, प्लस टू में करता है. तो प्लस टू लगाते हैं अपन तब भी क्या होता है, ये 3d10 ही रह जाता है. कैडमियम प्लस टू भी 4d10 रह जाता है. प्लस थ्री में क्या, जिंक प्लस थ्री होता ही नहीं है ना. प्लस फोर में, अरे ना
थ्री होता है ना फोर होता है, ओनली प्लस टू होता है, और वो भी क्यों होता है अभी मैं आपको बताऊंगा, रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ाऊंगा, नोट करना। डेल्टा जी का फॉर्मूला तो पता ही है ना, माइनस एन एफ सेल। डन और सर एक मिनट है, ये नोट कर रहे। एक बार आप जूम अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल करके देखिए, अभी करेंगे क्लास खत्म हुआ ना तो उसके बाद अभी करेंगे सर। सर अभी करके देखो ना, करके देख लेंगे आएगा, अभी करेंगे ना सर। तो सर आप कमिट सर वाला पता है क्या? तो ऐसा मतलब अमित सर का लैपटॉप स्लो चल रहा है, ऐसा सब लोग वैसे बोल रहे हैं अल्ट एफ फोर दबाओ। अब तो सोम ने बोला कि अल्ट प्लस एफ फोर दबाओ, तो सोम वेटिंग पे चला गया। आओ चलो हटाए ना इसको, अब हो गया। यस सर। हाँ सर हटा। हाँ सर हो गया। अब आते हैं इसके प्रॉपर्टीज पे। सबसे पहला है हेडिंग बना लेना प्रॉपर्टीज ऑफ एक ब्लॉक एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट ठीक है। सबसे पहला है एटॉमिक रेडियस, ध्यान से समझना, एटॉमिक साइज। बस ये पर्टिकुलर कोई ग्राफ नहीं है, बस आपको समझाने के लिए ऐसा बताया जा रहा है। ये मैग्नेट से लेकर निकल तक ऑलमोस्ट सेम होते हैं, जिंक होता है ये स्कैंडियम, मतलब स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक कम होगा, मैग्नीज से लेके निकल तक ऑलमोस्ट सेम होंगे, फिर निकल से जिंक तक क्या होंगे बढ़ जाएंगे। आपको पता है किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट अगर आप जाओ, लेफ्ट टू राइट जाओ ठीक है, तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होती है? बढ़ जाती है। कम हो जाएगा जाने पे, जेड इफेक्टिव की वैल्यू इतना दूर तक क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। साइज की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ऑलमोस्ट जो थ्रेड इफेक्टिव होता है ना वो किसके इक्वल हो जाता है? शील्डिंग इफेक्ट के इक्वल हो जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। वही हाई मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्स है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्स। ये ऑलमोस्ट रहता है निकल से लेके जिंक तक, निकल से लेके जिंक तक ठीक है। ये क्या हो जाता है यहाँ पे? अनपेड इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे कम होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण थोड़ा साइज भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, साइज इंक्रीजेस। दो अलग अलग पीरियड की बात हो गई ना? नहीं नहीं अलग अलग कहाँ, स्कैंडियम से लेके जिंक के। सर इसके नीचे वाले कभी सेम ही बोला है ना, फिर बाकी के पीरियड मतलब स्कैंडियम के जस्ट नीचे जो एलिमेंट है वहां से। हाँ 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 4D 5D के लिए सेम है। तो ऐसा मतलब ऐसा एटॉमिक नंबर बढ़ने पे साइज कम होना चाहिए, तो निकल के बाद भी साइज कम ही होता जाना चाहिए, ये ऐसा उल्टा हो रहा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट है। प्लस आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव जहां पे लगता हूँ उसके पैरेलल में क्या लगता है? शील्डिंग इफेक्ट भी लगता है ना। हाँ अगर शील्डिंग इफेक्ट कहीं पे ज्यादा हो गया तो रिपल्सन ज्यादा तो साइज ज्यादा,
पहले वाले में जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, डोमिनेट करता है, किससे शील्डिंग इफेक्ट है, दूसरे में ऑलमोस्ट सेम होता है, काउंटर बैलेंस होता है, लास्ट में क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का पोजीशन ज्यादा होता है, इसलिए साइज बढ़ जाता है। ओके नोट कर लिए? नहीं नहीं सर। हाँ अपने एस ब्लॉक में लास्ट ऐसा कुछ ऐसा ये ग्राफ पढ़ा था जिसमें कुछ डब्ल्यू बनता है ना एस ब्लॉक एलिमेंट्स में, उसमें ऐसा कुछ डब्ल्यू बनता है, ऐसा एंथैल्पी थी ना आयोनाइजेशन में बनता है। नोट कर लिए क्या? हाँ सर। देखना इसके बाद एक बार मैं आपको बता देता हूं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना, उनके डोमिंग साइज के डिस्कशन कर रहे हैं अपन, तो जो मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होगा, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज वो कहां से कहां होगा, इसको 3D के नाम से जानते हैं, और एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के कहां तक होगा 30 तक, जिंक यहां तक। सेकंड की बात करें उसको सेकंड ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं अपन, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज ये 4D के नाम से जानते हैं इसको, और 4D क्या टेबल बड़ा है कि नहीं, मैं पूरा नहीं लिखने की जरूरत है आप, मैं पूरा भेज दूंगा। नहीं वो थोड़ी इसलिए दूसरा पेज पे लिखता हूं आप ऐसे फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट लिखोगे ना? हाँ मैं फर्स्ट और लास्ट लिखूंगा बस। हाँ सर ठीक है। तो कैडमियम कितना होता है 48, फिर 5 3D। थर्ड ट्रांजिशन आप ध्यान से समझना, थोड़ा इसमें लोचे हैं। लोचा क्या है ना कि पहला एलिमेंट जो होगा 5D का वो स्टार्ट तो 57 से होगा, जिसको एक्टिनाइड बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, लेंथ है नम बोलते हैं। उसके बाद सीधा सीधा ये कहां से स्टार्ट होता है, फिर हाफेनियम से स्टार्ट होता है। हाफेनियम का एटॉमिक नंबर 72 होता है, ये हाफेनियम। उसके बाद फिर टंगस्टन, ये ऐसे कहां तक जाता है 80 तक, जिसका एटॉमिक नंबर 80 होता है। एक्चुअली 56 ये 58 to 71, ये क्या आ गए एफ ब्लॉक एलिमेंट है ना, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट। और इस एफ ब्लॉक एलिमेंट को पर्टिकुलर अपन क्या बोलते हैं, लेंथेनाइट बोलते हैं, इसलिए इसमें दिक्कत है। 57 पहला एलिमेंट, उसके बाद डायरेक्ट कहां पे 72 ला हफ्ता डब्लू रे ऑस्मियम इरिडियम प्लेटिनम गोल्ड और मर्करी। 4D लिख देता हूं जिसके सबसे कम यूज आएंगे, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज ठीक है। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज के अंदर पहला 89, इसका एटॉमिक नंबर 89, फिर ये भी बीच में आ जाएगा एफ ब्लॉक एलिमेंट है, राफेनियम से स्टार्ट होगा, जो 104 से लेकर के डॉटेड में कहां तक लिख देता हूं इसको, UUB 112 तक, UNBM बोलते लास्ट वाले को, IPSC नेमिंग चलते है उसके लिए। ये क्या हो गया यहाँ पे एक्टिनॉइड्स है, ये एक्टिनॉइड्स मतलब ये भी एफ ब्लॉक एलिमेंट है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। नोट कर लो आप, उसमें 60 आता है ना फोर्थ वाले में, क्या बोल रहे हो 60 फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में 6D आता है ना? हाँ हाँ 3D 4D 5D ये 6D हो गया।
सर तो वो डिस्कशन नहीं होगा कर पाएंगे ना रे, अभी रुक जाओ तुम, इसके बाद बच रहा है ना आधा घंटा भाई। डिस्कशन अगली क्लास में होगा, मेटलर्जी पूरा करके आओगे चैप्टर 1, मतलब एक्सरसाइज 1 पूरी, एक्सरसाइज 1 पूरी, एक्सरसाइज 1 अच्छा। तो एक सेशन में पूरे डिस्कशन करवा लूंगा, एक सेशन पढ़ा दूंगा, एक में पढ़ा नहीं ठीक है। मतलब आप आधा घंटा जल्दी छोड़ रहे हो? आधा घंटा अरे वाह सर, कल आपके पास एक ही घंटा है ना कि दो घंटे क्या? बहुत इसके बाद कल एक ही घंटा है मेरे पास। चलो हटाओ ना इसको। यस सर, सही वाला क्वेश्चन। आप यहाँ पे स्कैंडियम रखते हो, टाइटेनियम रखते हो, वेनेडियम रखते हो, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इधर बताओ। गैट्रियम आ गया, जर्कोनियम आ गया, जर्कोनियम, नियोबियम हो गया, मोलिबेडनम हो गया, मोलिबेडनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, प्लेडियम, ये आता लेंथेनम। लेंथेनम कितना है? ला हप्ता डब्ल्यू पे, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी, यही ना सर? ये वेनेडियम के लिए क्या है? मोलिब्डेनम है कि उस मोलिब्डेनम के पहले नियोबियम, नियोबियम एनबीएनबी। देखो आपको पता है, डाउन द ग्रुप अगर आप जाओगे, अपन लेफ्ट टू राइट के लिए बात कर चुके हैं ठीक है, कि साइज कम होगा ज्यादा होगा, डाउन द ग्रुप बढ़ता है ना, पर वो कभी कभार ना भी बढ़े, साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो स्कैंडियम, एट्रियम, लेंथेनम में जो साइज का ऑर्डर होगा ना वो सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसका एटॉमिक नंबर है 39, इसका एटॉमिक नंबर है 57, बट अगर इसके बाद बात करें ना अपन टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफेनियम में, देखो इसका ना साइज की अगर बात करें अपन, तो ये ज्यादा और ये ऑलमोस्ट सेम, क्यों? इसका एटॉमिक नंबर कितना है 40, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 72, 72 होता हाफेनियम का, अभी बताया ना पहला एलिमेंट 57 होगा, फिर क्या आएगा 72। तो अब 72 वाला जो एलिमेंट है ना, इसका जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा होगा तो 4F14 आ गया होगा ना, तो 4F14 F का साइज जो होता है काफी बड़ा होता है, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन दूर दूर होता है, इस वजह से पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। क्या होता है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा। अगर शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, इसका मतलब है कि वहां पे जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि दोनों पैरेलल चलते हैं। अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा हो गया, इसका मतलब साइज क्या हो गया? कम हो गया। सर सर इसमें एक डाउट है, सर आपने इसमें बोला कि एफ ऑर्बिटल बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन दूर दूर होता है, तो मतलब तभी साइज बढ़ने गया, फिर शील्डिंग इफेक्ट देख, फिर शील्डिंग इफेक्ट कम हो या ज्यादा हो, अगर इलेक्ट्रॉन ही दूर दूर पड़े हुए है तो फिर साइज अपने आप ही बढ़ जाएगा ना, लेकिन है तो ऑर्बिट के अंदर ही ना, तुम ऑर्बिट से बाहर थोड़ी जाओगे, दूर दूर बड़े हैं। वो बात तो ऐसा सोचो ना, अरे यार तुम बताओ ना, ये ऑर्बिट है, मैंने बोला एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ, तो साइज थोड़ी बढ़ जाएगा, ये तो ऑर्बिट के डिस्टेंस फिक्स है ना, सब इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन उससे थोड़ी ना कोई मैटर करता है, ये यहाँ यहाँ है, समझ में आया? साइज तो फिक्स होती है ना, फिक्स होने तो इस इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस थोड़ा बहुत, मतलब दूर दूर होने के कारण, अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ये चल के आ जाता, मतलब 4 में है तो 5-3 में आ जाएगा, थोड़ा बहुत बस कम हो जाता है, जिससे कि चलते ये सारा इफेक्ट शो करता है। मतलब इसमें ये साइज बढ़ता है पर बहुत कम बढ़ता है, ऐसा होता है ना? हाँ, आप अगर ये सोच रहे हो कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन दूर दूर है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है,
तो सेंटर से इधर डिस्टेंस निकाल लो या इधर, दोनों में सेम ही होगा ना, पर उन दोनों के बीच में रिपल्शन कम लगा गया इसलिए दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन आराम से आ पाएगा और साइज भी नहीं बढ़ेगी, ऐसा होगा ना। इसके बीच अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन दूर है ना तो मतलब है कि रिपल्शन कम लगता है, तो फोर्स सेंटर के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, थोड़ा सर समझ में। यस सर नोट कर लो, हो गए हो सर। सर सर एक मिनट है, नहीं हुआ ये हॉफनियम 72 होता है, हॉफनियम 72 होता है, तो जनरल अगर आप ऑर्डर देखो जनरल ऑर्डर देना चाहो ना, जनरल ऑर्डर तो आप ये ध्यान रखना पहले वाला 3D है, ये 4D है, ये क्या है 5D, इसका मतलब 3D ये 4D ऑलमोस्ट इक्वल किसके 5D एक्सेप्ट कौन सा, पहले वाले को छोड़ करके स्कैंडियम एट्रियम और लैंथेनम। ओके सर, आपने OS के बाद क्या लिखा है, बाकी सब में लगेगा इरिडियम IR। अब खत्म ना सर, नोट कर लिए क्या? यस सर कर लिए। नहीं 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 सर, एक नहीं 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 करना बाकी है। हाँ सर हो गया नोट। तो क्या हो गया?